नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। माँ बाप न सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं बल्कि वो जिम्मेदार होते हैं उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाए, उस बच्चे का क्या? आम तौर पे ऐसे बच्चों की तकदीर अनजान लोग लिखते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को कोई फरिश्ता मिल जाता है जो उनकी जिंदगी संवार देता है, लेकिन हर बच्चे की तकदीर एक जैसी नहीं होती। अक्सर ऐसे बच्चों की जिंदगी में गलत लोग प्रवेश लेते हैं जो उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना देते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची की है। मम्मा, बहुत बोर हो रहा है, चलो ना बीच पे चलते हैं। पहले काम पे जाएंगे फिर बीच पे चलेंगे। मम्मा, भेलपूरी। भेलपूरी खाना? चलो भैया, एक भेलपूरी बना दो और थोड़ा तीखा कम डालना। पीहू, तू यही रुक, मैं जरा पर्स देख के आती हूँ। अरे रूपाली जी, आप? तुषार को भेज दिया होता? नहीं, कुछ काम था, सुनील जी से भी मिलना था, है ना? हाँ, आइए। और पीहू, मम्मी आई अभी। सर, चकमा देके निकल गए। सर, ये पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में मर्डर हुआ है, मुझे सारे हिस्ट्री शीट चाहिए, सबके डिटेल्स चाहिए, आज के आज। आप तब तक ये पियो, आपकी मम्मी अभी आएंगी। सॉरी रूपाली जी, आप यहाँ कैसे? सुनील जी, एक्चुअली एक लड़के की कंप्लेंट करने आई थी मैं। मेरी बेटी आलिया उसका दोस्त है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड है उसका, सागर गुप्ता नाम है उसका। ठीक है। ये लड़का कुछ ठीक नहीं है, चोर है। मैंने एक नोटिस किया है कि जब भी ये मेरे घर पे आता है तो घर की कुछ ना कुछ चीज़ें गायब होती रहती है। ये कहाँ रहता है? एग्जैक्टली एड्रेस तो पता नहीं, बट अपना मोरे नगर है, वहीं कहीं रहता है। कंप्लेंट लूंगी मुझे। आइए मैडम। सुनील जी, इस लड़की का क्या होगा? कुछ पता नहीं, अभी तो प्रोसीजर स्टार्ट हुई है। मुझे मेरी मम्मी जाएगी, अभी आएगी आपके। सर, बाहर मीडिया वाले इकट्ठा हो गए, बहुत शोर मचा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर एक औरत की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। सर, आपको क्या लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है? सर, जब पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी के एरिया का क्या? आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम जल्द से जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। सर, वो औरत कौन थी? उसे सरेआम ऐसे गोली क्यों मारी? सर, क्या हम बच्ची से बात कर सकते हैं? नहीं मिल सकता बच्ची से, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। सागर गुप्ता, तुम ही हो? हाँ सर, क्या क्या बात है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि रूपाली देशमुख ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या? मैं रूपाली देशमुख की बेटी हूँ, सागर एक बहुत अच्छा लड़का है, कोई चोर नहीं है जो आप उसकी तलाशी लोगे। मैडम, ये चोर होता तो इसको ऐसे अंदर डाल लेते हैं, और आप इतना घबरा क्यों रही जब इसने कुछ किया नहीं है? तो देखिए, कंप्लेंट हुई है, घर की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। मोरे हाथ में दीपक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। पॉलिटिशियन सुभाष शिंदे की बीवी काजल शिंदे की सहेली ने बताया कि सुभाष शिंदे ने उसके घर पे उसकी गर्लफ्रेंड को रखा है, और मैम उसकी बीवी पे वो एक्सपेरिमेंटल सेक्स का दबाव भी डाल रहा है। तो मैम, मुझे लगता है कि काजल सुभाष शिंदे के डर के वजह से पब्लिक में नहीं आ रही। काजल से बोलो उसके रिकॉर्डिंग्स हमें भेजे। जी, और आगे क्या करना है दैट आई विल डिसाइड। मैडम चाह। थैंक यू। ये हाथ में क्या हुआ? दूसरा पति भी मारता है? दो ही महीने हुए ना अभी शादी को। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छा है, पर वो राजाराम, वो बार बार आता है मेरे घर पे। अगर राजाराम से तो डिवोर्स हो गया ना तुम्हारा? मैडम, वो राजाराम बोलता है कि मैं अभी भी उसकी बीबी है, वो इस डिवोर्स को नहीं मानता है। ये राजाराम कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेगा। बट यू डोंट वरी, मैं देखती हूँ उसका क्या करना है। आपको तो दुनिया का हर आदमी कुत्ता लगता है ना, आप ही ने सागर के घर पुलिस भेजी थी ना, आपको वो चोर लगता है? लॉयर हो ना तुम? अच्छे बुरे इंसान की समझ नहीं है तुम्हें? कोई फ्यूचर नहीं है उस सागर का, चोर है वो। मम्मा, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, सागर चोर नहीं है, पुलिस को उसके घर से कुछ भी नहीं मिला है। वैसे भी हमारे घर में ये नौकरानी है, आपका असिस्टेंट है, ये ड्राइवर है, इनमें से किसी ने चोरी की होगी। आलिया, इनफ।
बहुत हो गया। आलिया जी आप क्या कह रही है, हमने चोरी नहीं की। तुमसे किसी ने पूछा? आलिया बस, मुझे मेरे स्टाफ पे पूरा भरोसा है, समझे तुम? और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में मुझे सागर नहीं चाहिए। वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसा रहा है बस पैसों के लिए। वो लड़का चोर है एंड आई एम श्योर ये चोरी का जो माल है ना, ये कहीं और जगह जाके छुपा रहा होगा। मम्मा मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। आई लव सागर एंड आई जस्ट डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। अगर आज पापा जिंदा होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। वो हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते, सिर्फ मेरी खुशी। आलिया आलिया मेरी बात सुनो। मैडम सॉरी टू से बट इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन जिनके पास माँ है ना उन्हें उनकी कदर नहीं। मेरी मम्मी जा रही है, अभी। तुषार मैं एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। आज सुबह पुलिस स्टेशन में जो औरत मर गई ना उसकी एक बेटी है पीयू, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है मैम। सर हेलमेट भी पहना है उन्होंने, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ ये नौसिखिया शूटर नहीं है, ये एक्सपीरियंस शूटर है। अगर नौसिखिया होता तो अपने प्रीमाइसेस में शूट नहीं करता। सर सर मरने वाली औरत का नाम अर्चना था, कैटरिंग कंपनी में काम करती थी सर। 6 साल पहले उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछताछ की है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, सीधी औरत थी सर। सर उसका मर्डर हुआ है, कुछ तो वजह होगी। सर वैसे वो पीहू यहीं थाने में है, मैं चाइल्ड केयर वालों को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं नहीं उसको मैं मेरे घर लेके जाऊँगा, कुछ दिन मेरे परिवार वालों के साथ रहेगी। हेलो मैं आपको पूछ के बताती हूँ सर, वो रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार का फ़ोन था, वो पीहू की इंक्वायरी कर रहा था। रूपाली जी पीहू को अडॉप्ट करना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, पीयू को एक परिवार भी मिल जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी कर दो। जी सर। आगड़े। अच्छा क्या नाम बताया? सदाशिव। ठीक है सर। हमारी एक टीम अर्चना का फोन चेक कर रही थी सर, अर्चना के फोन में किसी सदाशिव नाम के आदमी के मैसेज मिले सर, काफी वल्गर और धमकी भरे मैसेज है। ये उन्हें डाला सर? वो चोरी की बाइक है। कोई फिंगरप्रिंट? नो सर, और क्लियर। अर्चना की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, इतने प्लानिंग के साथ कोई उसका मर्डर क्यों कर सकता है? कैटरिंग कंपनी वाले सदाशिव को उठा लिया है। इस सदाशिव का भी आधा शो करता मार मार के। ले मेरा नंबर, ले नंबर ले मेरा। और अर्चना को जो गंदे गंदे मैसेज किए थे ना मेरे को, कर विधवा औरतों को मैसेज करता है गंदे गंदे। गलती हो गया सर। गलती नहीं है, गुनाह है। अर्चना ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसको मार दिया। नहीं नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? रफीक की गैंग के साथ उठना बैठना भी है इसका सर। मैं तो कहता हूँ इसको टायर के अंदर डाल के मारते हैं तब बोलेगा ये। इसमें टायर डालो। आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा घर है, आज से तुम यही रहोगी मेरे साथ, ठीक है? चलो आ जाओ आराम से बैठो यहाँ पे, सिट। और हाँ पीयू, ये शांति का की है, देखो डरने की जरूरत नहीं है, यहां सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा पीयू बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, ब्लैक फॉरेस्ट या डार्क चॉकलेट? ये क्या नया ड्रामा है मॉम, और आप ये किसे उठाकर लेकर आई है? आलिया बिहेव, ये पीयू है तुम्हारी बहन, मैंने पीयू को अडॉप्ट किया है। पीयू ये आलिया दीदी है, हेलो बोलो। हाय दीदी। ए मुझे दीदी मत बोल, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यू आर माय मॉम्स पेट, जैसे लोग घर में कुत्ते बिल्लियां पालते हैं ना, वैसे मेरी मॉम तुझे पालने के लिए लाई है। बिहेव आलिया, बहुत बदतमीजी हो गई। देखो पीहू इस घर की मेंबर है और आइंदा से ये बात ध्यान में रखना। समझ गए कि आप मुझसे कितना नफरत करते हैं, आप मेरी जगह ये सड़क छप लड़की को देना चाहती हो? आलिया ये वर्ड पीहू के लिए वापस इस्तेमाल मत करना,
आलिया, पियू चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख नहीं लगी है। अरे मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, पर अब लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। पीहू चलो बेटा खाना खा लो। मम्मी मकान मालिक आया था और वो गाली दे रहा था और बोल रहा था कि अगर भाड़ा नहीं देंगे तो वो घर से निकाल देगा। अरे बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मुझे पगार मिल गई है, हम धीरे धीरे करके मकान मालिक का सारा भाड़ा दे देंगे। चल खाना खा, तुझे भूख लगी है ना? तूने खाना खाया? हाँ। मम्मी तू अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखी। अच्छा चल खा। नहीं पहले आ। पहले आ। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पियू रोते नहीं है बेटा, मैं हूं ना, आज से तू मुझे मम्मी कहना। तृप्ति शिरके। हाँ सर। इधर आओ जल्दी। ये देखो मैं दूसरे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर रहा था, शूटर आए बाइक पे, ये क्राइम सीन हम लोग रिक्रिएट करेंगे। यहाँ खड़े रहो। शिरके किलर ने यहाँ से गोली चलाई। कर ले। यहाँ अर्चना जी आई थी अपने बच्ची को मिलने के लिए। शिरके तुम यहां थे, तृप्ति इधर आओ, यहां खड़े रहो। शिरके अगर मेरा अंदाजा सही है तो किलर का टारगेट अर्चना जी नहीं रूपाली जी। बीच में अर्चना जी आई और गोली उनको लगी तो रूपाली जी की जान को अभी भी खतरा है। पुलिस स्टेशन। आप ठीक तो हैं? जी जी आई एम ओके। मुझे फोन आया था, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं उनका फेस भी नहीं देख पाई और गाड़ी का नंबर भी नहीं चेक कर पाई। शिरके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सर आप इस वक्त ये चांदीवाड़ी एरिया में अकेले क्या कर रही थी? वो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। रूपाली जी आपको किसी पे शक है? नहीं सुनील जी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। नहीं रूपाली जी हमें ऐसा लगता है कि आज जो ये अटैक हुआ है ये आपकी जान लेने के इरादे से हुआ है। What? और उस दिन भी पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में अर्चना जी पर जो हमला हुआ था वो अर्चना जी पे नहीं आपकी जान लेने के इरादे से हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कौन कर सकता है? नहीं आप एडवोकेट हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, हम आपके प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। आपने जितने भी लोगों के खिलाफ केसेस जीते हैं क्या उनकी लिस्ट दे सकते हैं आप हमें? यस श्योर, मैं तुषार से मंगवा के देती हूँ। थैंक्स। सुनील जी ये रही लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। सुनील जी ये पीहू के माँ की मौत मेरी वजह से हुई है क्या? देखो अभी रूपाली जी लग तो ऐसे ही रहा, हो सकता है आपके ऊपर फिर से हमला हो। आप एक काम कीजिए, आप रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, हम कोर्ट को आरजी करेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए। जी सर। रूपाली जी पे सेकंड टाइम जहाँ हमला हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर। इस बार जो बाइक यूज़ की गई है ना सर उसका नंबर प्लेट भी नकली है। शिरके रूपाली जी के ऊपर हफ्ते में दो बार अटेम्प्ट हुआ है, मतलब कोई तो है जो उनको डेस्परेटली मारना चाहता है। ये लो पहले वाले केसेस की लिस्ट और अभी जिन केसेस के ऊपर वो काम कर रहे हो वो भी लिस्ट निकालो, किसी पे शक हो उठाओ। सर पुलिस ने रूपाली देशमुख के ऐसे 5 केसेस निकाले जिसमें आरोपियों ने उसे धमकियां दी थी, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनकी बदौलत वो उन आरोपियों को उन हमलावरों से जोड़ सके। तो फिर कौन था जो रूपाली को मारना चाहता था? रूपाली ने पीहू को गोद ले लिया था लेकिन
बाहर कोई था जो खुला घूम रहा था और पीहू को दोबारा अनाथ बनाना चाहता था। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम घर में है, फिर भी बंद कमरे के अंदर इस लफंगे के साथ तुम ये सब कुछ। मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, ये लड़का इस घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए आलिया। नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। चलो सागर। आलिया रुको, तुझे पता है आज मुझ पर हमला हुआ और पुलिस का कहना है कि मेरी जान को खतरा है, और ये सिचुएशन में तुम घर छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? हाँ यू नो व्हाट, इस लड़के ने ना तेरा दिमाग खराब कर रखा है। आप ही अपना मेलोड्रामा बंद कीजिए। चलो आलिया, अगर तुम घर छोड़कर चली जाओगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मैं पीयू के नाम कर दूंगी। मैं भी वकील हूं, देखती हूँ कैसे करते हो आप ये सब। चलो सागर। मम्मा ये देखो, ये हमारी नई फैमिली। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। आलिया दीदी आ जाएगी, आप रो मत। आलिया दीदी मुझसे नफरत करती है इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई। मेरी मम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे आपको दे दिया। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सुनील जी, कल रात को मेरी कबर्ड से सारी ज्वेलरी गायब हो गई है, एंड आई एम श्योर कि ये चोरी सागर ने ही की है। कल रात आया था वो हमारे घर। हमें ज्वेलरी की लिस्ट, रिसिप्ट्स और फोटोग्राफ्स चाहिए। ये मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। गुड, चलिए चेक करो। और एक बात, कल से आलिया और सागर दोनों के फोन स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं, और मैंने चेक किया तो सागर के घर पे भी ताला है। चलिए दोनों के फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और आसपास जितने भी ज्वेलरी शॉप है उनको इन्फॉर्म करो, हो सकता है ये ज्वेलरी वहाँ कोई बेचने आए। ठीक है सर। रूपाली जी, ये सारी बातें हमें आप फोन पे भी बता सकती थी, आपकी जान को खतरा है। अच्छा, कोर्ट ने अर्जी मंजूर की है हमारी, आज से आपके साथ एक हेड कॉन्स्टेबल रहेगा। थैंक यू। हेलो रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। रूपाली ऐसे नहीं, तुम कुछ वक्त निकाल के घर आ जाओ ना। मुझे पुलिस ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। रूपाली मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज घर आ जाओ। ठीक है आती हूँ। अतुल, अतुल। मैम अतुल आज काम पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कीज। मैम आप अकेले मत जाइए, वो कांस्टेबल करडे खाना खाने गए, आते होंगे, आप प्लीज उनका वेट कर लीजिए। कब तक बहुत लेट हो जाएगा और कब तक ऐसे डर डर के जीऊंगी मैं। आई बी फाइन, डोंट वरी। मैम मैं चलूं आपके साथ? नहीं तुम यहीं रुको, वो मिस्टर तिवारी आने वाले हैं, उनका केस स्टडी कर लेना और पीयू का ध्यान रखना। ओके। मम्मा क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा घर में मन नहीं लग रहा, क्या आप मुझे बीच लेके जाएंगी? जरूर क्यों नहीं, लेकिन बीच पर जाने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ओके लेट्स गो। वाओ टेडी बेयर, मम्मा मैं पीछे बैठ रही हूँ। कम चलिए, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सर लेकिन ये रूपाली जी विदाउट सिक्योरिटी यहाँ अकेले क्या करने आई, फिर करने कहाँ है? तृप्ति सर एम्बुलेंस को बुला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर हेलो सर, गड्ढे कुठे आहे तू? सर मी जेवायला बाहेर आलो होतो। मॅडम को अकेले क्यों छोड़ा? सर मैं खाना कर रहा था और मैडम ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, बिना बताए मैडम बाहर चली गई। इधर क्या कांड हुआ मालूम है क्या? एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या होता? तुम्हारे वजह से रूपाली मैडम की जान गई है, सिक्योरिटी में रखा था ना आपको, सस्पेंड कर दूंगा तुमको मैं। सॉरी सर। खड़े क्या हो जाओ। साहब ये 5 साल भाई काला जेल में रह के आए, फिर भी अक्कल नहीं आई इसको, इसको फिर से जेल में डाल दो। रूपाली मैडम ने हम दोनों का तलाक करवाया था, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है। अरे नहीं मैं उस तलाक को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता साहब। डंडे पड़ेंगे ना, सब तलाक वलाक मानने लगेगा तू। अरे नहीं साहब, वो हमारी भी
अब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर, हमारा तलाक कैंसिल करा दो, इसके बिना मैं नहीं रह पाएगा साहब। मैं आपको पैसे देता है साहब, मेरा तलाक कैंसिल करा दो। इतना मार मारूंगा ना, सब नशा उतर जाएगा तेरा, समझा? दोबारा यहाँ नजर भी आया ना, सीधे जेल में डाल दूंगा। चल निकल। नहीं नहीं सर, मैं कान पकड़ता, मैं नहीं, नहीं नजर आएगा सर, मैं सर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? रूपाली मैडम का खून हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर। अच्छा, ये रूपाली मैडम किस काम से बाहर गई थी? कोई आइडिया नहीं है, उनको कॉल आया वो चली गई। सर इसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सांग सर ना। हाँ सर, रूपाली मैडम के ड्राइवर अतुल को मैंने गाड़ी के कांच के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। गाड़ी की कांच ऊपर ही नहीं हो रही थी, और ये बात मैंने मैडम को भी बताई थी। मैडम गाड़ी की कांच खराब है ना? हाँ। तो अतुल सकाळी काचेची काहीतरी छेड़छाड़ करत होता, म्हणून बहुतेक खराब झाले। कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, एसी नहीं चलाऊंगी, खोलो जल्दी से। ओके ओके मैम। कहाँ है अतुल? सर वो आज काम पे नहीं आया है, वैसे वो हमेशा इन्फॉर्म करता है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया। उसका मोबाइल नंबर है? जी हाँ सर। अरे अतुल को उठाओ। सर सर पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है मतलब? सर पीयू तो मैडम के साथ ही तो गई थी। क्या कहीं उन किलर्स ने पीयू को किडनैप तो नहीं कर लिया? व्हाट? कहाँ थे तुम इतने देर से? कहाँ थे मतलब? अरे पंडित जी से बात करने गया था, सब सेट हो गया है। क्या वो सब ठीक है? तुम्हें पता है मॉम का मर्डर हुआ है? अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, इतना परेशान कर। सॉरी I'm really sorry, वो मेरे दिमाग में पुरानी बातें याद आ गई तो निकल गया। आई थिंक हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। नहीं मैं कैब अरेंज करके आता हूँ, तुम ध्यान रखो अपना, सब ठीक होगा। सर रूपाली जी पर जहाँ हमला हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, ये देखिए सर। शिरके इसका मतलब पीयू शूटर्स के पास नहीं है, ये हादसा होने के बाद वो डर के मारे भाग गई। रूपाली जी ने उसको हाल ही में अडॉप्ट किया था, तो उसको रास्तों की जानकारी भी नहीं होगी। शिरके इसका मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और पीयू के लिए भी। ढूंढो उसे सर। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ए बाळा नाव काय तुझं? कोई साथ में नहीं है तेरे? भूख लगी है तुझे? चल हमारे साथ चल। रिक्शा सर, घर से निकलने से पहले रूपाली जी को लास्ट कॉल किसी शैलेश मेहरा नाम के आदमी का था, उसका एड्रेस मिल गया सर, चांदीवाड़ी में ही रहता है, वहीं पर जहां दूसरी बार रूपाली जी पर हमला हुआ था। डिटेल्स निकालो इसके। सर सर रूपाली जी के ड्राइवर अतुल को लेके आया हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था साहब। इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। रूपाली के रूप में पीहू को एक नई आशा की किरण मिली थी, उसे फिर माँ का प्यार मिलने लगा था, लेकिन क्या हुआ, फिर उससे माँ का प्यार छीन लिया गया, उसे फिर अनाथ कर दिया गया। पुलिस अब कई सवालों से जूझ रही थी कि इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया, रूपाली को किसने और क्यों मरवाया, और अब पीहू कहाँ थी, किस हाल में थी वो? ए पोरी अच्छे से मांझ, और इसके बाद कपड़े भी धोना है, आकर लवकर लवकर धो। अरे एकलस का? हाँ? अरे चावल लेकर आओ। ओरडू नका अंटे हो, हो किती ओरडता है, हा एवढाच राहिलाय, बाकी सगळं पोरीसाठी ठेवलाय। वो एक दिन नहीं खाएगी ना तो मर नहीं जाएगी, वो कल भी खा सकती है, पर मुझे भूख लगी है। आओ हा तर खा हो। दुर्गा ताई, मैंने सुना है कि आपने एक नौकरानी रखी है। हाँ माझ्या घरी पण साफसफाईला पाठवा ना। हो पाठवीन,
पर महीना 4,000 पगार पड़ेगा। चलेगा ना, मैं दे दूंगी, पर उद्यापासून नक्की पटवा। हाँ नक्की पटवा। एडवोकेट रूपाली जी का मैं क्लाइंट हूँ। एक्चुअली पालघर में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसका केस चल रहा था, जो रूपाली जी देख रही थी, और उसी सिलसिले में बस बात होती रहती थी उनसे। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा सर। शॉक में क्यों हो? ये बंगलो अब मेरा है, एंड आई एम द ओनर। और हाँ, वैसे भी ना मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो तुषार तुम अकाउंट संभाल लेना मेरा, और तुम घर का काम देखो। अगर तुम्हें यह काम करना है तो आई डोंट माइंड, वरना दरवाज़ा वहाँ है। सर, सर मुझे लग रहा है कि शैलेश मेहरा हमसे झूठ बोल रहा है। सर उसका फिलहाल कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है। सर उसके और रूपाली के मैसेज देख के ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? सर क्योंकि वो रूपाली को धोखा दे रहा है। सर उसने एक मैसेज में रूपाली से शादी तक की बात की है, लेकिन हकीकत तो ये कि वो पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी नासिक में रहती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये शैलेश के अकाउंट में रूपाली जी ने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा लगता है कि शैलेश रूपाली जी को यूज़ कर रहा था। शैलेश से बात करो। ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं रूपाली को धोखा दे रहा था, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। सर वैसे भी मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा सर, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए। क्योंकि उसे पता चल गया था तो उसे धोखा दे रहा है। वकील तो थी तेरे ऊपर, इतने सेक्शन लगाती, इतने सालों के लिए अंदर डालती, इसी डर से तूने उसका मर्डर किया, समझा? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हम सब पता कर लेंगे, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता ना तू यहीं बैठेगा। सर हमने पीयू की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी, पर सर उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। पता नहीं ये पीयू कहाँ और किस हाल में होगी। क्या तुमने उन गोली चलाने वालों को देखा था? हाँ पुलिस अंकल। बेटा डरना नहीं, हाँ मैं कुछ करता हूँ। अलका इसको खिलाओ पिलाओ कुछ, मैं भी आता हूँ। सर वो ड्राइवर अतुल सच कह रहा था, उस दिन उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में ही था। सर रूपाली जी के घर से जो गहने चोरी हुए थे वो पता लग गए हैं सर, एक ज्वेलरी शॉप पे बेचे गए हैं। किसने बेचे थे? वो आलिया का बॉयफ्रेंड सागर है ना? नहीं सर, रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार ने। सर मैं सच कहता हूँ सर, सर मेरी सैलरी बहुत कम थी सर, ऊपर से सर मैंने एक आदमी से 2,00,000 रुपए उधार लिए थे। वो जब भी वसूली करने आता था सर, मैं बंगले से कोई भी सामान उठा के उसको दे देता था। रूपाली मैडम को सागर पर शक था, इसी बात का सर मैंने फायदा उठाया और रूपाली मैडम के कान भरना शुरू किए मैंने। आलिया जी जब भी सागर को घर पर लेकर आती थी उसी दिन मैं सर चोरी करता था। सर मुझे ये जॉब छोड़कर खुद का ऑफिस खोलना था, इसलिए सर मैंने गहने चोरी किए। और तुझे डर था कि तेरी चोरी पकड़ी जाती, इसीलिए तूने रूपाली को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी की मैं मानता हूँ, पर मैंने रूपाली मैडम का खून नहीं किया सर। अरे वो सब हम पता कर लेंगे, खड़े अरेस्ट करो इसे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो सर। पीहू के बारे में कुछ पता चला क्या? आपको तो खुश होना चाहिए, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपको तो तकलीफ थी ना जब पीहू यहाँ रहती थी तो। नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, जब मॉम पीहू को यहाँ लेकर आई थी तब मैंने उनसे बहुत झगड़े किए, उन्हें परेशान किया, बुरा भला कहा, पर अब जब मॉम नहीं है हमारे बीच तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। और बेचारी पीहू का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर यो जैन। सर जैन कांस्टेबल कौस्तुभ माने भगवान नगर पुलिस ने बोला। सर जिस पीहू नाम की लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। सर पीहू ने रूपाली देशमुख के शूटर्स को, जिसने रूपाली देशमुख को शूट किया था, उसकी बाई आंख सफेद है। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं आत्माराम, उन्होंने पीहू को अपने घर लाया था और उससे डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करा रहे थे। उनका देखा देखी मेरी बीवी भी उसे घर ले आई थी, तो मुझे घर पर पीहू मिली, उसी ने सब बताया। तो अभी पीहू को क्यों नहीं लेके आए? सर पीहू बहुत डरी हुई है तो मेरे घर पर आराम कर रही है। छिड़के हिस्ट्री सीटर की लिस्ट निकालो, उसमें सफ़ेद आँख वाला कोने देखो, लिखो उसको। सर लो लो फोन लो। हाँ अलका बोलो।
अहो वो आत्माराम जी और दुर्गा ताई पीहू को जबरदस्ती घर से लेके चले गए। क्या? अच्छा तुम आत्माराम के घर पर आओ, मम्मी वही आता हूँ। सर वो आत्माराम मेरे घर से पीहू को जबरदस्ती ले गए। शायद नहीं है सर, ये माजी भाई को। सर वो लोग पीहू को जबरदस्ती उठा के लेके गए। सर घर बंद करके गए, कहीं वो लोग पीहू को भगा के तो नहीं ले रहे। तुम्हारे पास आत्माराम और दुर्गा का नंबर है? है सर। ट्रैकिंग भी डालो, फोटो भी देना उनको। सर हमें किसी भी हालत में पीहू मिलनी चाहिए। क्या हो गया बेटा? भूख लगी है, वड़ा पाव खाना है। चल मैं तुम्हें वड़ा पाव खिलाता हूं, इससे भी अच्छा। चलो ले, नेक्स्ट टाइम याद रखना ज्यादा लेके आना। ले तुझे वड़ा पाव खाना है ना, तुझे वड़ा पाव तो मिलेगा लेकिन तुझे इन बच्चों लोग के साथ में बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं मैं भीख नहीं मांगूंगी, नहीं। फिर की लोकेशन क्या दिखा रही है? सर 1 किलोमीटर दूर है। सर सर लोकेशन रुक गई है। आनंद फास्ट फास्ट। सर वो रहे, फिर बाजू लगे बाजू लगे। टेंशन मत ले, अपन तेरे को सब सिखा देगा। अरे तेरा बॉडीगार्ड बन के रहेगा। ले ले का? ये लड़की है ना, भिखारी के कैटेगरी में नहीं जाएगी भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छा पैसा कमा के देगी, समझ गया ना? हाँ गुंडे मवाली रहते हैं यहाँ पे। सिरके हमें पीयू को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर एक मिनट, सर मुन्ना का फोन है। देखो हाँ मुन्ना, डब्लू के अड्डे पे झाड़ी मार के आया हूँ। आपने जिस लड़की का फोटो भेजा था ना, मुझे डाउट की लड़की वहीं पर है। मुन्ना डाउट नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्की खबर चाहिए। ओके साहब। सर मुन्ना बोल रहा है कि किसी दगड़ू नाम के आदमी के साथ पीयू हो सकती है, वो कंफर्म करने वाला है। सर हमारी क्रिमिनल लिस्ट में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख सफ़ेद है, उनमें से एक आदमी 6 महीने पहले ही मर चुका है, दूसरा आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ है, और तीसरा आदमी शंकर जो 6 महीने पहले ही भाईखला जेल से निकला है और हमारे खबरीन उसे बोरीवली स्टेशन पर देखा भी था। उसको हिरासत में ले लो, उसकी हिस्ट्री निकालो पूरी। ठीक है सर। वैसे भाईखला जेल से एक और नाम याद आ रहा है। कौन? एक और सर। हाँ मुन्ना, आपकी बार पक्की खबर है, जिस लड़की के बारे में मैंने बताया था ना, वो पीहू ही है। पक्का ना? हाँ पक्का। सर मुन्ना ने कंफर्म किया है, पीहू दगड़ू के पास ही है। कर ले गाड़ी का ड्राइवर। और कौन था तेरे साथ? महेश। कर ले नंबर दे, नंबर के। सर 5 साल पहले इसके साथ जेल में एक और कैदी था जिसे डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के केस में अंदर किया गया था। रूपाली जी ने केस लड़ा था और जीता भी था। 5 साल पहले? शायद इसीलिए रूपाली जी ने हमें उस केस की डिटेल्स नहीं दी। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, पिछले 6 महीने से उसकी और इसकी फोन पर लगातार बातें हो रही। ये रहा उसका फोटो। ये नो किसी ने सुपारी दी थी ना? जी सर। मारो साहब आप मेरे को मारो, पर मैं जो किया एकदम बरोबर किया साहब। ये कमीनी रूपाली की वजह से मेरे को जेल जाने का पड़ा। जब मैं जेल में था तो उसने मेरे बीवी से मेरा तलाक भी करा दिया और उसका शादी भी दूसरे से करा दिया। इसका इस वजह से
मेरा शांति मुझसे दूर हो गया, इसलिए मैंने शंकर को उसका सुपारी दे दिया। अपनी कमियां दूर करता, गलती सुधारता तो तेरी बीवी तेरे को छोड़ के नहीं जाती। ये बदला लेने के चक्कर में तूने दो मासूम औरतों की जान ली और एक छोटी बच्ची को दो बार अनाथ किया। सड़ जेल में। राजा राम और शंकर को रूपाली और अर्चना के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है, लेकिन पीहू उस मासूम बच्ची का क्या गुनाह था कि दो बार उसे सजा मिली, उससे उसकी दो माओ का प्यार छीन लिया गया। पीहू बेटा, आज से तू यही रहेगी मेरे साथ इसी घर में। अगली बार आप किसी पर गुस्सा होकर मन में बदले की भावना लाएं तो ये जरूर याद रखना कि आप एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद करेंगे और इसका अंजाम तो बुरा ही होगा। आप संयम में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।